एक चीज मेरे समझ के परे है, अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, तो सवाल ये कि जब माहौल में जहर भरा जाएगा, जहरीली सियासत खेली जाएगी, क्या तभी भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा? और शाहीन बाग में इन औरतों की मांग क्या है कि मोदी सरकार के बड़े नुमाइंदे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह उनसे आकर बात करें। वो ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल उनसे बात करें या राहुल गांधी उनसे बात करें, वो चाहते हैं कि मोदी सरकार उनसे बात करे। तो फिर मोदी सरकार को किसने रोका है शाहीन बाग की जनता से संवाद बनाने के लिए? और तीसरी बड़ी बात ये बताइए, दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? केंद्र सरकार के अंतर्गत। अगर इन प्रदर्शनकारियों को हटाना है तो जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली पुलिस की, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हालांकि एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि वहां पर जो जनता बैठी हुई है उनके बैठने से, वहां से किसी स्कूल बस के गुजरने को लेकर या एम्बुलेंस के गुजरने को लेकर समस्या पेश नहीं आ रही है। यह प्रोपेगेंडा है जो मोदी सरकार की चंगू मंगू मीडिया फैला रही है। मगर एक बात दोस्तों देखने को मिल रही है, जानते हैं, कल शाहीन बाग में एबीपी न्यूज और इंडिया टुडे ग्रुप पहुंचा, आज तक न्यूज चैनल पहुंचा। शाहीन बाग की जनता ने अपने मुद्दे खुलकर उनके सामने रखे। मुख्यधारा की मीडिया में अगर शाहीन बाग को जगह मिलेगी तो यकीनन जो उनके बारे में एक सोच बनाई है भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो प्रचार तंत्र है, उनका जो समर्थक मीडिया है, वो बदलेगा, क्योंकि शाहीन बाग की जनता अपनी आवाज बुलंदी से रख रही है। मगर न्यूज चक्र में आज जो मुद्दा हम चर्चा करने जा रहे हैं वो क्या है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ जंग छेड़ दी है? इन तीन तस्वीरों पर गौर कीजिए। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कफील खान, दूसरा चेहरा स्टैंड अप कॉमिक और सटायरिस्ट कुणाल कामरा, और तीसरा चेहरा बिजनौर की यह अदालत जिसने योगी सरकार के चेहरे पर तमाचा जड़ा है। सिलसिलेवार तरीके से एक एक मुद्दा मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर कफील खान की। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने कल देर रात उनकी गिरफ्तारी की? क्यों? क्योंकि बकौल उत्तर प्रदेश पुलिस, डॉक्टर कफील खान ने सीएए के खिलाफ जो बयान दिया था वो भड़काऊ था, और इसी के अंतर्गत आर्टिकल 153A के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं माननीय। इन तीन चेहरों पर गौर कीजिए, अनुराग ठाकुर, प्रवेश साहिब सिंह और कपिल मिश्रा, क्या इनसे ज्यादा भड़काऊ बयान किसी के हो सकते हैं? सबसे पहले गौर कीजिए इस शख्स पर, अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मंत्री हैं, क्या बयान दिया था देश के गद्दारों को? गोली मारो देश के गद्दारों को, याद है ना? और क्या आप जानते हैं उसका नतीजा क्या हुआ? अगले ही दिन यह शख्स शाहीन बाग पहुंच गया और उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। न जाने इस तरह के कितने वीडियो सामने उभर कर आ रहे हैं जिसमें कई हिंदुत्ववादी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब हम शाहीन बाग पर हमला करने जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर, आपके बयान का यह असर पड़ रहा है। अब इस शख्स पर गौर कीजिए, प्रवेश साहिब सिंह, कहते हैं कि शाहीन बाग के लोग हिंदू घरों में घुसकर वहां की बहन बेटियों का बलात्कार करेंगे। मैं जानता हूं कि दोनों के खिलाफ सख्ती करते हुए चुनाव आयोग ने इन्हें स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट से हटा दिया है, मगर फिर भी ये चुनाव अभियान कर सकते हैं। और क्या आप जानते हैं, चुनाव आयोग की सख्ती के बाद इस आदमी प्रवेश साहिब सिंह ने अरविंद केजरीवाल को एक आतंकवादी बताया है। क्योंकि केजरीवाल जैसे नटवरलाल, केजरीवाल जैसे आतंकवादी इस देश में छुपे बैठे हैं। तो क्या आर्टिकल 153A इन सांसदों पर लागू नहीं होती है? सिर्फ डॉक्टर कफील खान पर क्यों? अब गौर कीजिए इस पर, कपिल मिश्रा, ये तो शाहीन बाग को मिनी पाकिस्तान बता रहा था। इन सब की कोशिश है कहीं ना कहीं शाहीन बाग के खिलाफ देश की जनता को भड़काया जाए। इनसे बड़े दंगेबाज, इनसे ज्यादा भड़काने वाले एलिमेंट्स कोई कुछ हो सकते हैं? तो आर्टिकल 153A इन लोगों पर, धारा 153A इन लोगों पर क्यों ना लागू की जाए? क्या यह सवाल लाजमी नहीं है?
और अब आपके स्क्रीन पर एक सटायरिस्ट, एक स्टैंड अप कॉमिक, नाम है कुणाल कामरा। अब इसके खिलाफ पूरी मोदी सरकार ने जंग छेड़ दी है। क्यों? क्योंकि उसने एक गोदी मीडिया के संपादक को एयरलाइंस में कुछ सवाल किए। Here I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism and he is doing exactly what I expected him to do. He's being a coward. First he called me mentally unstable and now he's saying I'm watching something. He's not ready to answer my question, viewers. देखिए दोस्तों, हो सकता है सवाल करने का जरिया गलत हो, मगर इस पर कार्रवाई क्या हुई? सबसे पहले इंडिगो ने इसे 6 महीने तक फ्लाइट में ट्रैवल करने से मना कर दिया। बात इंडिगो की नहीं थी, क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम तमाम एयरलाइंस को यह नसीहत देंगे कि इस पर पाबंदी लगाई जाए। उसके बाद क्या होता है, एयर इंडिया मैदान में उतर आती है, स्पाइस जेट मैदान में उतर आती है, गो इंडिया मैदान में उतर आती है। बात यहां पर नहीं रुकती। भारतीय रेल के इस बयान के मुताबिक ऐसे तमाम लोग जो कि एयरलाइंस में भड़काऊ हरकतें करेंगे उन पर पाबंदी लगा दी जाएगी। और यह शख्स क्या कर रहा था? हो सकता है कि इसने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया हो जो सामान्य ना हो, मगर यह सवाल क्या उठा रहा था? सवाल नंबर एक, वो रोहित वेमुला के लिए आवाज उठा रहा था, सत्ता की चाटुकारिता करने के लिए संबंधित पत्रकार की कायरता पर सवाल कर रहा था। वो इसके जैसे अन्य चैनलों को, अल्पसंख्यकों, लिबरल्स, सत्ता से सवाल पूछने वालों को बदनाम करने के लिए कटघरे में रख रहा था। वो ऐसी गोदी मीडिया द्वारा भारतीयों के खिलाफ भीड़ खड़ी करने के लिए सवाल कर रहा था। तो आपने कुणाल कामरा के खिलाफ तो कार्रवाई की, मगर क्या आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? प्रज्ञा ठाकुर को देखिए, ये जिद पर अड़ गई थी कि मैं एक ही सीट पर बैठूंगी, जबकि एयरलाइंस के जो नियम कानून हैं उन्हें इजाजत नहीं देते, क्योंकि वो व्हीलचेयर पर थीं। इनके चलते फ्लाइट 45 मिनट तक लेट हो जाती है। क्या इन पर कोई कार्रवाई की गई? नहीं की गई। अब इस पर गौर कीजिए, इनका क्या नाम है जानते हैं आप? इनका नाम है रविंद्र गायकवाड़, सांसद हैं। एयर होस्टेस को थप्पड़ मारा था इस शख्स ने। तारीख थी सितंबर 2017। थप्पड़ तो मारा ही था, उसके बाद इस पर एयर इंडिया ने पाबंदी लगा दी, मगर इस खत के मुताबिक सिर्फ 14 दिनों के अंदर पाबंदी हटा दी गई। इस पर आजीवन पाबंदी लगाई जानी चाहिए थी, क्योंकि इसने हिंसा का इस्तेमाल किया। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, रविंद्र गायकवाड़ और प्रज्ञा ठाकुर के गुनाह क्या कम थे? एक ने फ्लाइट को 45 मिनट विलंब में किया और दूसरे शख्स ने हिंसा का इस्तेमाल किया। मैं फिर दोहरा दूं, हो सकता है कि ये उस पत्रकार का प्राइवेट स्पेस हो, मगर आगे मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं कि यह मामला जो है प्राइवेट स्पेस से, निजी स्पेस से आगे बढ़ गया है। अब मैं आपको दो वीडियोस दिखाने वाला हूं दोस्तों, एक तस्वीर और एक वीडियो। पहले वीडियो में देखिए किस तरह से शशि तरूर के खिलाफ रिपब्लिक के रिपोर्टर्स पड़े हुए हैं। देखिए, राजनेताओं से सवाल करना मीडिया का धर्म होता है, मैं इस बात का समर्थन करता हूं, मगर जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं ना, इसके अंदर इस चैनल के रिपोर्टर्स शशि थरूर को गाली दे रहे हैं, उन्हें कावर्ड, कायर बता रहे हैं। यही नहीं, एक आदमी के पीछे 5-5 रिपोर्टर्स। ये वीडियो देखिए आप। अब ये दूसरा स्टिल देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं रिपब्लिक की एक रिपोर्टर तेजस्वी यादव, जो उस वक्त बिहार के डेप्यूटी सीएम थे, उनसे सवाल कर रही हैं। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, ये एयरलाइन है। एयरलाइंस के जो क्रू स्टाफ था उन्होंने भी इनसे कहा कि आप बात मत कीजिए, क्योंकि वो बात नहीं करना चाहते हैं, मगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तरफ गाली गलौज कर रहे थे इस चैनल के रिपोर्टर्स, और दूसरी तरफ एयरलाइंस के कहने के बावजूद, क्रू के कहने के बावजूद, तेजस्वी यादव के कहने के बावजूद, ये पत्रकार महोदया जो हैं इस चैनल की, वो लगातार सवाल कर रही थी। सच तो यह है दोस्तों कि जो कार्रवाई की गई है कुणाल कामरा पर, वो नियम के खिलाफ है। यही नहीं, कुणाल कामरा चाहें तो इन एयरलाइंस को सू भी कर सकते हैं, उन पर मुकदमा भी कर सकते हैं।
आपके स्क्रीन पर इस वक्त जो अपराध होता है ना, उसकी तीन श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी होती है लेवल वन, इसमें आपको 3 महीने तक नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है और इसमें आपका गुनाह होना चाहिए अनरूली बिहेवियर, फिजिकल जेस्चर्स, वर्बल हरासमेंट, अनरूली इनएब्रिएशन, यानी कि बोलचाल के जरिए आप किसी को परेशान कर रहे हैं। लेवल टू, इसमें 6 महीने तक की सजा है, जी हां, और इसमें अगर आपने शारीरिक तौर पर किसी को परेशान किया, उसके साथ हाथापाई की। लेवल थ्री, इसमें 2 साल तक के लिए आपको नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है, और यह कब? अगर आपने एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाने की किसी तरह से धमकी दी। यही नहीं दोस्तों, कुणाल कामरा को ये लोग सिर्फ 30 दिनों तक नो फ्लाई लिस्ट में डाल सकते थे और उसके बाद यह फैसला लिया जा सकता था। तो जितने भी नियम कानून है सबकी धज्जियां उड़ाई गई। अब आते हैं उस पत्रकार पर दोस्तों, जिसे कुणाल कामरा परेशान कर रहे थे। ये वो पत्रकार है दोस्तों जो प्राइम टाइम में अपने चैनल पर लगातार उदारवादियों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ सत्ता की फील्डिंग करता है, अक्सर भड़काऊ बातें भी करता है। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा और इसका ताल्लुक उस पत्रकार से नहीं है। आपके स्क्रीन पर हिटलर के जमाने का जोसेफ गिबल्स, ये हिटलर का प्रचार मंत्री था। जानते इसने क्या किया था? न सिर्फ ये हिटलर का प्रचार करता था बल्कि उस वक्त के जो जूज थे, यहूदी, उन्हें बदनाम करने के लिए फिल्म्स का इस्तेमाल करता था, मीडिया का इस्तेमाल करता था। नतीजा आप जानते हैं, ऑक्सविट्स जैसे बड़े बड़े कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में लाखों की तादाद में जूज मौत के घाट उतार दिए गए। क्या जोसेफ गिबल्स से जनता सवाल ना करे? मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आज से 4 साल पहले मैंने इस पत्रकार के बारे में एक लेख लिखा था, हालांकि उसका मैंने नाम नहीं लिया था क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों का नाम मुझे लेना चाहिए, और ये 4 साल पहले की बात है जो मैं आप कोट करना चाहूंगा। उस राष्ट्रवादी पत्रकार ने अंग्रेजी में दहाड़ते हुए कहा, तो कहिए दोस्तों, ऐसे पाकिस्तान प्रेमियों, आईएसआई परस्तों के साथ क्या सलूक किया जाए? क्या वक्त नहीं आ गया है कि उन्हें एक एक करके एक्सपोज किया जाए? मैंने सोचा, वाकई ये लोग एक्सपोज कैसे करेंगे? इनके खिलाफ लोगों को भड़का के, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला के, इनके परिवार को चिन्हित करके, ये पत्रकार इसी तरह से कर रहे हैं। शाहीन बाग पहुंचने वाले वो पत्रकार भी वही कर रहे थे जिन्हें शाहीन बाग की जनता ने बात नहीं की, जिन्हें घुसने नहीं दिया। और क्या आप जानते हैं इस बदनामी का क्या असर होता है? सबसे पहले देखिए इस शख्स पर, उमर खालिद। जब जेएनयू का प्रकरण हुआ था 2016 में, तो उमर खालिद के खिलाफ इस पत्रकार ने और इस न्यूज चैनल ने, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, इन्हें एक आतंकवादी करार दिया था कि यह पाकिस्तान भी गया है। यह खबर सरासर गलत साबित हुई। नतीजा क्या होता है दोस्तों, कि यह नवीन दलाल जो आपकी स्क्रीन पर है, यह उमर खालिद पर गोली चलाता है। अब यह दूसरा चेहरा देखिए, कन्हैया का चेहरा है। इन पर जेट एयरवेज में, जब यह मुंबई से पुणे जा रहे थे, इन पर हमला किया गया था। वो शख्स जिसने हमला किया था, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मगर कन्हैया जैसे लोगों के खिलाफ या उमर खालिद जैसे लोगों के खिलाफ इस तरह से जो न्यूज चैनल्स भड़का रहे हैं, क्या उनसे सवाल ना किया जाए? बताइए, क्या वो गलत है? तरीका किसी का गलत हो सकता है, मगर क्या इनसे सवाल ना किया जाए? आज से 1 साल पहले फरवरी के महीने में मेरा, रवीश कुमार का नंबर सार्वजनिक कर दिया गया था। हमें देश का गद्दार बताया जा रहा था। क्यों जानते हैं? क्योंकि ऐसे ही पत्रकारों ने मेरे और रवीश जैसे पत्रकारों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया था। टुकड़े टुकड़े गैंग, अफजल प्रेमी गैंग, डिजाइनर पत्रकार, ये वो लोग हैं जो न सिर्फ अपने देश की जनता के खिलाफ बल्कि मेरे जैसे पत्रकार जो सत्ता से सवाल करते हैं उनके खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। क्या इन लोगों से सवाल ना किया जाए? मैं आपसे यह चर्चा कर रहा हूं कि किस तरह से सरकार ने अपने ही नागरिकों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। अब इस मुद्दे की बात करते हैं, बिजनौर की। क्या आप जानते हैं, बिजनौर की अदालत ने एंटी सीएए प्रोटेस्ट में शामिल 48 लोगों को बेल दे दिया है, जिन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस, योगी की उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यह है इनके बेल ऑर्डर्स। मगर क्या आप जानते हैं कि इस फैसले में अदालत ने क्या क्या कहा है? मुद्दा नंबर 1, जज ने कहा
कि पुलिस ने एक FIR दर्ज की थी जिसमें उसने यह दावा किया था कि दुकानों को तोड़ा गया, प्राइवेट और गवर्नमेंट व्हीकल्स को तबाह किया गया, मगर अदालत में सिर्फ एक सरकारी वाहन की डैमेज रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है और यह रिपोर्ट उस कथित हादसे के 20 दिनों बाद तैयार की गई। जज ने अपनी रिपोर्ट में बिजनौर पुलिस की आलोचना करते हुए कहा कि FIR में दावा किया गया था कि भीड़ ने कॉप्स पर, पुलिस वालों पर गोलियां चलाई थीं और कई खाली कारतूसें भी बरामद हुई थीं, मगर इस बात का कोई भी प्रमाण योगी की पुलिस प्रस्तुत नहीं कर पाई है। मैं आपको बताता हूं योगी जी किस चीज के प्रमाण सामने उभर कर आए, क्योंकि न्यूज क्लिक ने आपके सामने यह रिपोर्ट पेश की थी और यह ग्राफिक देखिए। इस ग्राफिक में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि प्रदर्शनकारियों के सिर पर और छाती पर, 23 लोगों को तुमने मौत के घाट उतारा था, सिर पर और छाती पर गोली मार के, अगर मार नहीं था तो पांव पे मार सकते थे तुम, मगर तुमने उसके सिर पर और छाती पर गोली मारी। इससे पता चलता है कि योगी सरकार की तरफ से अपने ही नागरिकों के खिलाफ किस तरह का फरमान जारी किया गया था। यह मत सोचो कि ये मुसलमान हैं इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि सरकार के खिलाफ जो भी खड़ा होगा उसका ये लोग ये हश्र करते हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह हो जो अपना काम कर रहा था या कोई अन्य आदमी। आप जानते हैं इस देश में न्याय की क्या हालत कर दी गई है। पहले आप एक ऐसा कानून लेकर आते हैं जिसका मकसद सिर्फ कोरी सियासत है, जब देश की जनता मैदान में उतरती है तो उन्हें आप बदनाम करते हो, उनके खिलाफ देश की जनता के एक दूसरे हिस्से को भड़काते हो, गोलियां चलाते हो, गंदा और जहरीला प्रोपेगेंडा चलाते हो, और हकीकत यह है कि इनमें से अभी तक किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। शाहीन बाग की जनता पूरी तरह से खामोश है, मगर उसे बदनाम करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली विधानसभा की 70 सीटें जो जीतना चाहते हैं। न जाने तुम अभी कितना और जलील होगे। न्यूज चक्र में बस इतना ही, मगर मेरी आपसे अपील कि न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, वो जो बेल आइकन देख रहे हैं उसे जरूर दबाइएगा, जैसे ही मैं कोई शो करूंगा सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।